नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज। ब्रजेश कुमार के साथ बिहार विधानसभा का आज जो है मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र का शुरुआत में माले के विधायक जो है वो पूरी तरह से प्रदर्शन करते आज सदन में पहुंचे। क्या हुआ, क्या लोग प्रदर्शन? आज पूरे बिहार में विधानसभा का जो पहला सत्र है, इसमें हम लोग मुख्यमंत्री से जवाब चाहते हैं, एनडीए सरकार से जवाब चाहते हैं कि बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। आपने देखा कि कैसे, पूरे बिहार ने देखा कि कैसे जैसे गया में एक दलित नौजवान की हाथ काट दिया जा रहा है, मुजफ्फरपुर में एक माझी जाति के मुसर पर नौजवान के मुंह पर पेशाब तक कर दिया जा रहा है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं है। ये फिलिस्तीन के नाम पर, फिलिस्तीन झंडे के फहराने के नाम पर नरकटियागंज के युवाओं को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। तो एक तरफ से जो है अपराध कंट्रोल में नहीं हो रहा है, लेकिन विधि व्यवस्था के नाम पर तरह तरह के भाजपाई साजिश के तहत आरोप लगा करके मुस्लिम युवाओं को उत्पीड़न किया जा रहा है, मौ लिंचिंग की जा रही है। तो ये सुशासन का उनका जो पूरा आपका अभियान था वो ढह चुका है नीतीश जी का। और विकास तो ये है का आलम कि वो सारे के सारे पुल जो आप ढह रहे हैं, आपने देखा कि 11 दिनों में 34 पुल ढह गए। तो ये बता रहा है कि विकास और सुशासन का उनका नारा पूरा ढह चुका है। और ये देखिए, अपराध बेलगाम हो गया है। जब तक अपराध पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस बात नहीं होती है, तो अपराध के सवाल पे सदन में बात होगी। और क्योंकि हमारी बहु बेटियां आज जिस तरह से उनके साथ नौकरी के नाम पर हिंसा और बलात्कार हो रहा है, डीवीआर कंपनी, इसके अभी तक बड़े कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो ये सारा मिलीभगत के तहत इस तरह के अपराध चल रहे हैं। इस पर आज हम लोगों ने सड़कों पे उतरे हुए हैं। विपक्ष क्या करे, आपको तो नेता प्रतिपक्ष है ही नहीं है सदन में। सब लोग हैं, सब सदन में आ जाएंगे। आपको कौन बताया, आपके पास मैसेज किए थे। लेकिन जिस तरह से आरोप लगा रहे बीजेपी के, अरे बीजेपी वालों का कोई बात है जी, बेमतलब आरोप। हम लोग विपक्ष नहीं है, हम लोग विपक्ष हैं कि नहीं? पूरा विपक्ष सड़क पर है और सदन में है, और हमारी प्राथमिकताओं में जनता के मुद्दे हैं, अपराध हैं, भ्रष्टाचार हैं, और मजबूती के साथ इन मुद्दों को उठाया जाएगा और बिहार की जनता को बताया जाएगा कि बिहार की मौजूदा सरकार बिहार की जनता को बेहतर प्रशासन देने और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने में नाकाम है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इनको गद्दी से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। लेकिन कब तक जो है सदन में आप लोग आवाज उठाते रहे? क्राइम के सवाल पर आज पूरे बिहार में क्रिमिनलाइजेशन काफी बढ़ गया है। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को बर्दाश्त नहीं करने की बात कहने वाले मुख्यमंत्री, इनके राज में ये तीनों चीज़ें बेलगाम हो गया है। अपराधियों का मनोबल काफ़ी हौसला बढ़ गया है। यहाँ गरीब असुरक्षित हैं, दिन दहाड़े गरीबों के हत्या किया जा रहा है और महादलितों के मुंह में पेशाब तक किया जा रहा है। ये सुशासन की राज में, इसलिए सुशासन का राज ढह गया है। और विकास का मॉडल पुल था, एक के एक पर एक बढ़ते ढहते ढहते इनके एक महीना में 15 से 20 पुल ढह गए हैं। इसलिए इन सवालों को लेकर आज विधायक दल हम लोग 15 से 20 पुल ढह गए, इसको लेकर के लगातार जो है विरोध प्रदर्शन बिहार विधानसभा में जितने भी लेफ्ट की पार्टियां हैं वो कर रही है। तो आज समय देखने की बात है, क्या मुख्यमंत्री इसको जवाब देते हैं, सरकार के पक्ष से जवाब आते हैं या फिर नहीं। तो अभी तक के फिलहाल नहीं बने रहे रिपब्लिकन के। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।